जिया शंकर के लिए जिस तरीके से लगातार हेट सोशल मीडिया पर फैल रही है, उसको लेकर अब जिया ने एक बयान जो है इशू किया है। जिया ने लिखा है, बहुत बार कह चुकी मैं, सेड इट अ जिलियन टाइम्स टू एवरीवन टू स्टॉप द हेट, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नीडेड पर्सनल अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं। अगर अब मैंने कुछ भी ऐसा देखा जो लाइन क्रॉस कर रहा होगा, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लूंगी। वो आगे कहती हैं, हाँ बहुत फ्री हूं मैं, काम धंधा नहीं है आप लोगों की तरह। बहुत आसान होता है हेट फैलाना, अपनी आइडेंटिटी आप छुपा लेते हैं और उसके बाद नफरत फैलाते हैं। पूरी दुनिया के सामने आ जाओ, अपना रियल फेस बताओ, रियल नाम बताओ, अपनी पिक्चर लगाओ, फिर बात करेंगे ना। अब भी बड़े प्यार से जवाब दे रही हूं और श्योर थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू टेक सिंपथी। और जिसको सोचना है वो ये बात सोचे कि मैं सिंपथी लेने की कोशिश कर रही हूं। यहां पर फिर खबरी ने उसको रिप्लाई किया, तो उसके बाद जिया ने फिर रिप्लाई में बोला कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी जो चुप्पी है उसको मेरी कमजोरी समझ लिया है, लेकिन अब वाकई में टाइम आ गया है कि मैं गिव इट बैक करूं, अब मैं वापस दूं। दिस गर्ल हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ हर सिंस इयर्स नाउ, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ वेन एवर नीडेड, आई नो आई हैव गॉट यू गाइज टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो अब ये सारी चीजें जो है बोल रही है जिया शंकर, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वो हेट फैलाने वालों के खिलाफ जो है एक्शन जरूर लेंगी। तो एक बात तो तय है कि खुद अभिषेक आ गया है, बोला कि हेट फैलाने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें बोली गई, कहा गया, लेकिन यहां पर अब जिस तरीके से जिया खुद इन बातों को फिर से कह रही है, एक बात कहूं तो वो चेतावनी दे रही है कि अभी रुक जाओ, फिर मत बोलना कि देर हो गई। तो अब ये आखिरी वार्निंग की तरह जिया ने ये मैसेज लिखा है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।